आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस से फैली महामारी और लॉकडाउन के बाद गरीब और मजदूरों पर संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के बाद गरीब व जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज का हर तबका सामने आया है। इसी कड़ी में आज सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रामलल्लू बैस ने क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों को राशन वितरित किया। कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर जहां पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा गरीब व असहाय लोगों की मदद कर रही है, वहीं अन्य संगठन भी सामने आए हैं, असहाय लोगों को रोजाना खाना खिला रहे हैं। इस महामारी से परेशान लोगों को भूख से बचाने के लिए सिंगरौली बीजेपी विधायक रामलल्लू बैस ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंदों को राशन वितरित किया। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि उनके आसपास कोई भूखा व्यक्ति दिखाई दे तो उसे भोजन कराएं। विधायक रामलल्लू बैस ने बताया कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से जनता पालन कर रही है। इस दौरान क्षेत्र में किसी को भी भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कहीं से ऐसी सूचना आती है कि लोगों को लॉकडाउन की वजह से कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, साथ ही लोगों को भोजन के लिए दिक्कत पड़ रही है, तो ऐसे लोग उन्हें सूचित करें, उन सब भूखे व्यक्तियों को उनके द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। MPC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए सिंगरौली से ब्यूरो चीफ विपिन सिंह चंदेल की रिपोर्ट। जयंत बस्ती में कुर्बानी के अनुसूचित जनजात बैगा बस्तियों और सेलो बस्ती जयंत के वार्ड क्रमांक 14 और 17 में खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई देवेश पांडे जी थे, कमिश्नर नगर निगम थे, वीपी उपाध्याय थे और नगर निगम के कई कर्मचारी थे जिन्होंने गाड़ी में ले आया गया था सामान और उनको उतार उतार कर सबको वितरण किया गया। और आने वाले समय में तय हुआ कि जिन जिन बस्तियों में जिन वार्डों में ऐसे पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर लें ताकि अगले बार आए तो सही ढंग से सबको खाद्यान्न का वितरण हो सके। अच्छा, ये सूखा राशन वितरण विधायक जी कहाँ कहाँ वितरित किया जाना? ये सभी वार्डों में जहाँ के मजदूर मलिन बस्ती है, गरीब तबके के लोग हैं, जैसे मान लीजिए शासन योजनाओं का लाभ वो नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी बहुत है बीच के, उनको तो मिलेगा ही, पर ऐसे भी लोग जो है जैसे मान लीजिए आप गरीब हैं पर आपको न तो इधर का BPL में नाम है और न तो उधर है, तो मेरा मकसद ये है कि बीच के व्यक्ति को भी मिलना चाहिए क्योंकि उसको काम धाम चल नहीं रहा है, तो ऐसे को सुखा न भी बांटने का किया गया है। और बड़े पैमाने पर हमने कहा कि यहाँ बड़ी कंपनियाँ हैं, NCL NTPC हमारी है, इनसे CSR के माध्यम से जिला प्रशासन कहे कि इनको बांट किए, जिसका हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि इन इन वार्डों में आवश्यकता है पिछले बार की जैसे, तो इस तरह से इनसे संपर्क करके आप हम लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए ताकि हम लोग वितरण करा सकें।